जब बचपन में थे ना उस टाइम अपन लोग को काफ़ी ज़्यादा डर लगती थी गाइस इसमें। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग बाईपास पे आ चुके हैं, लाइक बाईपास क्रॉस कर रहे हैं और अपने को यहाँ से राइट लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा मे भी। तो गाइस मैंने बोला था ना पहले ही कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक है यार, बट अपन लोग साइड साइड से निकल गए आगे। तो गाइस अपना डिसेंट लुक वाली स्प्लेंडर प्लस जो कि काफ़ी अच्छा, इधर देखो अपन लोग वहाँ पे लास्ट स्टॉपेज है ना वहाँ तक गए थे और इधर ही पॉल्टी फॉर्म है तो इधर से ही वो लोग शायद आएंगे मेरे को। गाइस क्या मस्त लग रहा है ये कार यार, मतलब काफी मस्त लग रहा है पीछे से देखने में। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी आप लोग निकले हुए बाहर, लाइक देख सकते हो ये खुल कुछ क्या बोलते हैं ना खेत ये सब है और पीछे आम का पेड़ है और फिर मौसम काफ़ी अच्छा है गाइज, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और फिर पीछे की साइड देखो तो मंटू है बाइक पे बैठा हुआ जो कि नहीं दिख रहा है। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं गाइज एक सेकेंड हैंड कार देखने के लिए क्योंकि अपने को कार की ज़रूरत है और फिर उस कार की क्या ज़रूरत है ये गाइज बहुत जल्द आप लोगों को बताने वाले हैं क्योंकि अपन लोग कहीं लॉन्ग टूर पर निकलने वाले लाइक आउट ऑफ कंट्री बोले तो उसका अपन लोग सारा कुछ डिटेल आने वाली वीडियोज में बताएंगे आपको। तो फिलहाल अभी तो जा रहा है कार देखने के लिए, कार देखेंगे कितना हम पैसा कितने पैसा में वो देते हैं वो भी देखेंगे सारा कुछ, वो तो वहाँ जाने के बाद ही होगा। कार पसंद आई तो प्राइस की बात कर लेंगे और आज से कल तक अपन लोग डिलीवरी भी ले लेंगे गाइज, तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल तो जाके पहले देखते हैं, तो चलो अभी चलते हैं और फिर देखते हैं गाइज। सो गाइज अपना एक कच्ची रोड है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, इसी से अपन लोग जा रहे हैं फिलहाल कार देखने के लिए और फिर ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मतलब ये भी ढलाइयाँ होने वाला है, ये रोड ढलाई होगा उसके बाद काफ़ी तगड़ा वाला हो जाएगा ये रोड। इधर देखो एक आए ये बरगद का पेड़ है, लाइक हाँ बरगद ही बोलते हैं ना, काफ़ी घना है और फिर जब बचपन में थे ना उस टाइम अपन लोग को काफ़ी ज़्यादा डर लगती थी गाइस इसमें। तो आज अभी ये बैवानी, ये गांव का नाम बैवानी था, तो अभी अपन लोग बैवानी गांव से बाहर निकल रहे हैं, लाइक निकल चुके हैं और अभी यहां से थोड़ी देर आगे बाईपास, उसके बाद गाइस दीपनगर थाना क्योंकि वहीं पे अपने को कार देखनी है, तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग बाईपास पे आ चुके हैं, लाइक बाईपास क्रॉस कर रहे हैं और अपने को यहाँ से राइट लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा मे भी और फिर यहाँ से आगे ना काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो सकता है, बट देखते हैं या फिर नहीं है क्योंकि अपने को जल्दी जानी है और फिर ये अपने आगे स्विफ्ट डिजायर। आज मैंने बोला था ना पहले ही कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक है यार, बट अपन लोग साइड साइड से निकल गए आगे और आगे भी वैसा ही है, लाइक यहाँ पे ट्रक बस सारा कुछ चलती है ना तो हैवी ट्रैफिक हो जाती है गाइस, इसी कारण तो ऊपर ये ब्रिज बन रहा है रजौली बख्तियारपुर वाली, तो ये कब कम्प्लीट होती है तो देखना काफ़ी ज़रूरी है गाइस। और फिर अपन लोग बहुत जल्द वीडियो भी लाने वाले गाइस बख्तियारपुर रजौली ब्रिज के बारे में, तो कमेंट में बताना गाइज उसका वीडियो चाहिए फिर नहीं चाहिए। और फिलहाल तो अभी थोड़ा जाम टूट चुकी है तो अभी चल रहे हैं जल्दी से। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही मिनट में वो भैया आने वाले हैं अपना कार लेके दिखाने के लिए, तो अभी देखो बस अंदर आ चुके हैं नोबल हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने अंदर बुलाया तो अंदर अभी अपन लोग जा रहे हैं और फिर देखते कितना टाइम लगता है, लाइक वो बोले अभी अपन लोग निकलते हैं तो एक बार फिर से अपन लोग कॉल कर लेते हैं पहले उनको। सो गाइज अभी हम लोग तो यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, लाइक यहाँ पे आने वाले हैं वो और फिर दिखाने वाले अपने को कार और फिर ये मस्त वाला अपना बाइक भी यहाँ पे खड़ा है, देख लो ये अपना बाइक
और फिर अपन लोग मंटू साथ है, ये देखो मंटू को, और फिर बस इधर ही खड़े हैं, कितना देर में आएंगे पता नहीं। पीछे की साइड पोल्ट्री फॉर्म है गाइज, जहाँ पे मेरे को बोले थे कि यहीं पे खड़ा रहना है, और फिर पीछे की साइड एक ट्रक भी है उधर, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है उनको आने में, तब तक वेट करते हैं अपन लोग, कुछ कुछ करते हैं। लाइक धूप सारा जगह हो चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, ये देखो पेड़ है, पाँव है, पेड़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी है, तो अभी अपन लोग, कॉल भी आ रहा है उनका। तो आज अपना डिसेंट लुक वाली स्प्लेंडर प्लस, जो कि काफ़ी अच्छा, इधर देखो अपन लोग वहाँ पे लास्ट स्टॉपेज है ना, वहाँ तक गए थे, और इधर ही पोल्ट्री फॉर्म है, तो इधर से ही वो लोग शायद आएंगे, मेरे को पता नहीं। और फिर इधर देखो गाइस, सामने एक साइड एक ट्रक है, जो कि मेरे को लग रहा है ख़राब हो चुका है। और फिर ये गाइस दीपनगर थाना है, थाना है ना मंटू, ये थाना है, और फिर ये पता नहीं क्या बन रहा है। और फिर यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और फिर इधर देखो गाइस तालाब टाइप का एकदम मस्त वाला, कितना टाइम लगे पता नहीं, देखते हैं, बस जल्दी से आ जाए ना, तो अपना भी काम हो जाए। गाइस ये भैया आ चुके हैं, और अभी हम लोग कार देखने के लिए आ चुके हैं। कार ये देखो गाइस, मतलब पीछे से काफी सही लग रहा है, बट इधर से देखो भाई, मतलब इसका डेंटिंग पेंटिंग भी जा चुका है। ये देखो साइड का व्यू थोड़ा बहुत सही है, बट उसमें भी बहुत ज्यादा फॉल्ट लग रही है गाइस इस कार में, ये देखो। बट पहले ही जज नहीं कर सकते, हम लोग पूरा देखेंगे गाइस। तो इस साइड का देखो गाइस अभी, तो इस साइड देख लो, इस साइड भी कुछ ऐसा ही है, और फिर अंदर का भी दिखाते हैं गाइस आपको। सो गाइस अंदर का इंटीरियर कुछ इस प्रकार है, लाइक इधर से देखो एसी वेसी है कुछ, और फिर ये अपना स्टेयरिंग है गाइस, और फिर वो अपना मीटर है, जो कि गंदा ही लग रहा है गाइस मेरे को। और फिर नीचे ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, सारा कुछ हो गया। और फिर इधर की साइड, पीछे की साइड देखो ना सीट, तो मतलब जैसे तैसे बोले तो 2012 मॉडल ये बोल रहा है, प्लस वेस्ट बंगाल नंबर है गाइस। और फिर इसका रेट मैं आपको लास्ट में बताऊँगा गाइस, कितना रेट ये बोल रहा है। तो ये देखो कुछ इस प्रकार है, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर इसका सारा टायर है ना गाइज, वो भी गया हुआ है, लाइक देख सकते हो गाइज इसका टायर सारा एकदम जा चुका है, चारों टायर चेंज होगा, प्लस ये सारा, मतलब मान के चलो ना, अगर इस कार को अपन लोग ले भी लेते ना, तो इसमें इतना ज़्यादा खर्च आएगी ना गाइज, सोच नहीं सकते हो। तो चलो इसको लॉक करके देखते हैं लॉक कैसा होता है। ये लो चाबी नहीं निकल रहा, ये देखो लॉक नहीं हो रहा, ये देखो फिर से लॉक करके देख रहा है, अभी लॉक हो जा, हो गया लॉक, मेरे से ख्याल से लॉक हो गया। सो गाइज ये देख लो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अपन लोग पीछे की ओर ना धक्का देके इधर लाए, और फिर ये देखो आगे का हेडलाइट जा चुका है, प्लस मैंने बोनेट भी खोल के देखा ना, उसमें अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, टायर सारा जा चुका है, अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अपन लोग धक्का देके बाहर लाए, उसमें भी स्टार्ट नहीं हुआ, और अभी देखो गाइज मतलब ये लोग बोल रहे हैं धक्का दो स्टार्ट हो जाएगा फिर चालू कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज इसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इनको मना कर दिया, अपन लोग जहाँ से लिए ना वहीं पर पार्किंग लगा देंगे, और फिर अपन लोग यहाँ से निकलते हैं गाइज अभी। सो गाइज वही कार थी यार, मतलब ऐसा बेफालतू वाला कार था ना, सोच नहीं सकते हो, लाइक इतना कॉस्टली भी बोल रहे थे ना, इतना कॉस्टली बोल रहे थे ना, सोच नहीं सकते हो। लाइक वो कार 70,000, जिसका गाइज बैटरी भी काम नहीं कर रहा है, बैटरी भी चेंज करवाना पड़ेगा, प्लस सर्विसिंग करवाओ, उतना बेफालतू का 40 से 50 हज़ार रुपये उसमें जाएगा, प्लस वेस्ट बंगाल नंबर गाइज, और फिर और भी बहुत कुछ थी गाइज, तो इसी कारण से अपन लोग इसको इग्नोर कर दिए। तो अभी चलते हैं घर की ओर, घर की ओर चलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइस।